तुम्हारा स्केल क्या है? उसने ऊपर के सप्तक को भी गाया, ऊपर के सप्तक को भी गाया, मतलब सा के बाद भी गाया, तार सप्तक मतलब देखो नहीं सबसे मजेदार बात अभी मतलब इसने बोला डी शब्द तो मैं डाउट में थी कि सचमुच डी शब्द में, तभी मैं इसका मतलब टेस्ट लिया क्योंकि हम लोग तभी रेफर करते हैं कि भाई उनका ऊपर का एटलीस्ट पा तक फ्लॉलेसली जाए, इसका पा तक तो गया, ऊपर का सब भी उसने टच किया, दैट मीन्स डी शब्द इज ओके। क्योंकि अगर मैं उसको जबरदस्ती करके मैं बोलती ना तुम थोड़ा नीचे दो, क्योंकि हमारा हम थोड़ा लॉन्ग सोचते हैं, हमको किसी के गले को स्ट्रेस नहीं देना है, और लॉन्ग टर्म पे अगर इस तरीके से थोड़ा ऊंचा ऊंचा गाएंगे तो एट द एज ऑफ 60-65 हर्ट होता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने कई लोगों को ऐसा देखा, इसलिए हम रेफर नहीं करते, हम बोलते हैं तो बहुत ईजी जिसमें है उसमें गाओ, बट ही इज़ वेरी कम्फर्टेबल। और धीरे धीरे अभी थोड़ा उम्र होगा तो अपने आप चेंज करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा अभी देखो, अभी इसने ऊपर का दिखा दिया, हाँ एक बार नीचे का, नीचे का वो कम्फर्टेबली आ जाएगा, ये बस ओके ठीक है। दैट मीन्स इसका आवाज ऊंचा ही है क्योंकि इसका नीचे ज्यादा जा नहीं रहा है, दैट मीन्स इसका ऊपर का रेंज अच्छा है, नीचे का रेंज इतना अच्छा नहीं है, तो इसको मंदर सप्तक का रियाज करना चाहिए ज्यादा, तो उसका पूरा ऑक्टेव वो पूरा एकदम तीनों ऑक्टेव में वो खेलेगा। ओके अब देखो इसका डी शार्प है, तो अगर मैं ऑब्वियसली मैंने आपको बोला ये बात सारे गामा, ओके बहुत सारे गाने लता जी के सी में है, सी शार्प में है, मतलब लता जी के बहुत कम गाने होंगे जो ए शार्प में है, ज़्यादातर सी सी शार्प डी डी शार्प में है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, मतलब ये क्यों? इसमें एक बात है कि कोई भी चीज़ ना थोड़ा ऊंचा ऊंचा सुनने में अच्छा लगता है, आवाज़ खुला एकदम, बहुत आप नीचे गाएंगे ना तो दबी सी आवाज़ आती है, और अब अगर आपको थोड़ा खुला है तो खुलेगा कब, जब आप आवाज़ को फोर्स करोगे तो आवाज़ को फोर्स आपको नीचे का स्केल होगा तो आवाज़ में फोर्स नहीं दे पाओगे, जितना आप ऊपर गाओगे उतना आपका फोर्स होगा। पर बहुत कम लोग ऐसे हैं ब्लेस्ड होते हैं कि जिनका आवाज़ ऊपर बहुत अच्छे से खिलता है, श्रेया घोषाल है, लता जी, आशा जी, और लेकिन गीता दत्त का सुनिए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अभी शुभा मुद्गल जी है, किशोर, वो मैं क्लासिकल वालों की बात नहीं कर रही हूँ, इवन और भी दो चार, अभी रेखा भारद्वाज का तो सवाल ही नहीं होता, बहुत देर सवाल है अभी जब मैंने, हाँ उन लोग जगजीत सिंह फीमेल, हाँ जगजीत सिंह अभी फीमेल मेल में उनका बेस स्वर है। तो अच्छा और एक बात है, क्लासिकल का स्केल अलग होता है, और हाँ उषा उत्तम का तो बहुत ही बेस है, क्लासिकल का स्केल अलग होता है, लाइट म्यूजिक का स्केल अलग होता है, ठीक है। तो लाइट म्यूजिक में आप लोग भी जब गाओगे तो बहुत नीचे नीचे गाना खेलता नहीं है, जब तक आप उसको थोड़ा सा ऊंचा नहीं गाओगे तब तक वो गाना खेलता नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक 3 मिनट का म्यूजिक नहीं है, फिल्मी म्यूजिक जो है 3-3.5 मिनट 4 मिनट बस,
ठीक है, तो बहुत देर तक ना तो गाया जा सकता है ऊंचा ऊंचा स्केल में, ना तो सुना जा सकता है। आप कोई भी क्लासिकल सिंगर अगर फीमेल होंगे तो उनका स्केल ऊंचा नहीं होगा। मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, दबा दबा के हमने, मतलब टाइम था पूरा, मैंने सारे लोगों का निकाला था कि कौन कौन से स्केल में गाते थे, लोग गाते हैं, गाते थे, क्योंकि मेरा अपना स्केल को मैंने मुझे ठीक करना था, इसलिए मैंने वो किया था। तो लता जी आशा जी भी जो रियाज करते हैं तो कोई शीशा शीशा से भी नहीं करते हैं। उन लोग अपना एक नोट उन्होंने, जैसे मेरा अपना स्केल है ए शार्प, तो ऐसे कोई ए शार्प में या ज़्यादा से ज़्यादा सी में, जो सुर में बहुत पक्के होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्केल दे दो। तो उन लोगों का भी वैसे ही है। और एक बात है, ये मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा है कि आशा जी ने कहा कि अगर इसी स्केल में मैं पूरा दिन भर गाते रहूँ तो मैं एक साल में नहीं गा पाऊँगी। उन्होंने ये बात कही है कि ऊंचा ऊंचा स्केल में नहीं गाना चाहिए, और आप मतलब रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर के लिए गाया, आजकल तो ऑटो ट्यून होता है, ऑटो ट्यून मतलब खुद ही वो उससे थोड़ा बना देते हैं आवाज़ को। अच्छा, अभी मैं इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ सी को लेती हूँ। हाँ, अभी सारेगामा पा गाओ भाई, जैसे उसके लिए अगर वो डी में गाता है, डी शार्प में गाता है, तो उसके लिए डी नीचे है, उसके लिए सी नीचे है, उसके लिए एफ नीचे है, लेकिन लड़कियों के लिए डी ऊपर है। तो जो बोलते हैं ना कि एफ ऊंचा है, जी ऊंचा है, तो आपको पहले देखना है कि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। कुछ गाने, डुएट गाने ऐसे होते हैं कि एक साथ दोनों ने सेम स्केल में गाया है, सेम स्केल ही कभी गाना लता जी आशा जी, तो देखना आप कि जो ऊंचा का जो पोर्शन है ना, ज़्यादातर मेल लेते हैं, तो मेल का उन लोग निभा लेते हैं। अगर कुछ कुछ अंतर ऐसे होता है, एक अंतर सेम क्यों, एक फीमेल मेल ले लिया, एक मेल ले लिया, तो उस तरीके से वो कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज है, देखो सारे ऊपर गाओ फिर से, मी सा रे, मी सा रे, मी सा रे गा, मी सा रे, मी सा रे गा, मी सा रे गा, मी सा रे गा। तो अगर आपको कभी इस तरीके से कोई ऐसा गाने मिलेगा कि उसका ऊपर का आप मतलब वो कोई गा रहे हैं, तो अगर उस सुर को आप पहचान के नीचे के ऑक्टेव से गाएंगे, जो मैंने अभी फिल्मी गाने के लिए भी बताया, तो भी आप कर सकते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन था कि एफ ऊंचा है कि जी ऊंचा है कि सी ऊंचा है, आपको देखना है कि आपके हिसाब से ऊंचा है कि उनके हिसाब से ऊंचा है। जो उनका ऊंचा है वो आपका हमारा नीचा हो सकता है। आपको ये जानना है कि सी शार्प से सी ऊंचा है कि नीचा है, बस आपको इतना जानना है
कि किसके बाद क्या स्किल है। अच्छा और एक बात है, देखो अभी देखो सा सी है, हाँ सी में सारे, अभी सा, अभी सा के सॉरी सी सी के पहले क्या आता है, सी के पहले क्या आता है, हाँ ओके तो बी है, तो बी को अगर आपको मानो कि आपका सी में स्केल है, आपका सी स्केल है, तो आप बी में भी गा सकते हो, सी शार्प में भी गा सकते हो। तो जो आपका स्केल है आपके, आप उसके आजू बाजू के चार स्केल गा सकते हो कंफर्टेबली। तो ये आप मत सोचना कि मेरा तो ये स्केल है इसके आजू आसपास में नहीं जाएंगे, नहीं, आप कोई भी स्केल में एटलीस्ट चार अलग अलग स्केल में आप गा सकते हो। गा सकते हो मतलब क्या है कि आप रेंज को पकड़ सकते हो कंफर्टेबली, कंफर्टेबली ऊपर का सा नीचे का सा आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। दिस ट्रू फॉर लाइव म्यूजिक बट रियाज अपने स्केल में, हाँ रियाज एक बार तय हो गया आपका स्केल और रियाज आपको अपने स्केल में ही करना चाहिए। उसमें उसमें क्या होगा, आपका सुर पक्का होगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर आपको ऐसा है कि चलो मैं गा, ऐसा तो नहीं है कि अचानक आपको बोलेंगे कि आप तीन स्केल में गाओ। कभी कभी आप अगर थोड़ा सा और एम्बिशियस हैं तो थोड़ा सा आप तीन चार स्केल में गा के आप सारे गाना देख सकते हैं, आपका फ्लेक्सिबिलिटी। जो लोग लाइट म्यूजिक ज़्यादा गाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि कुछ लोग लाइट म्यूजिक भी गाना चाहते हैं, तो आप लोग तीन चार स्केल को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो कभी ना बार बार, तो 15 दिन में एक बार, आपको ये आइडिया तो हो गया है कि मैं, मेरे लिए कोई हानिकारक नहीं है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? मैम अगर वॉइस चेंज होती है, अगर एक ही स्केल में प्रैक्टिस, हाँ अगर एक ही स्केल में मेरा बजाने का प्रैक्टिस है, और अगर नहीं, तुम्हारा वॉइस चेंज मतलब तुम, तुम्हारा एज क्या है अभी? 12। हाँ, तो 12 और 12 10 से 14 के बीच में अगर तुम्हारा वॉइस चेंज होगा तो तुमको जो कंफर्टेबल लग रहा है वो सा लगा के गाओ। मैंने तुम्हें बताया अभी था, जो जो मतलब अभी तुम कैसे बजा रहे हो तो तानपुरा में कर सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारा जब आवाज़ सेटल होगा तब तुम्हारा फिक्स होगा, तो होगा तो वही सी सी शार्प डी तक ही हो सकता है ऐसे। और कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, ये ना कभी कभी इसका आवाज़ थोड़ा सा ना आगे है, मतलब ऊंचा है, आवाज़ मत करना, ए आवाज़ तो कभी कभी ये गाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चिल्ला रही है, तो थोड़ा इसका आवाज़ इंपैक्ट होगा, या फिर ये नॉर्मल है कि बच्चों का ऐसे ही होता है? नहीं, बच्चों जैसे गा रही है वैसे गाने देना चाहिए, जैसे गा रही है वैसे गाने दो। क्यों पता है? उससे ना उसका रेंज बढ़ेगा, चिल्लाने दो उसको, इससे उसका जो ये है ना वो ताकत बढ़ेगा। और जैसे हाँ, क्रैक नहीं होना चाहिए, और गाने के तुरंत बाद गला पकड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना मतलब गला बैठ जाना, वो नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, करने तो करने दो, चीखने दो। तो अगर आवाज़ थोड़ा टूटने लग गया, कभी कभी ऐसे होता है कि थक गई है और तो फिर ज़्यादा, हाँ तो फिर इतना ज़्यादा मतलब ये श्रील नहीं करना है तुम्हें, तो उसको भी धीरे धीरे उसको खुद को कष्ट होने लगेगा। अभी तो वो वैसे खेल खेल में करे, थोड़े दिन के बाद उसको खुद को ही कष्ट होगा, फिर वो नहीं करना छोड़ देगी ऐसा। और कोई क्वेश्चन? आप तो हाँ, बोल रहे थे तो तानपुरा जो बात कर रहे थे कि हम जो ट्यूनिंग करते हैं उसमें भी वही चीज आती थी, आपने जैसे बोला कि हम साउंड करते हुए समझेंगे। देखो तानपुरा मैंने अभी जो बात किया ना, ये तानपुरा से परे है, मतलब तानपुरा के साथ कोई कनेक्शन नहीं। हम अभी हमने हारमोनियम या ये जो अपना कीबोर्ड पे देखा कि सी से कीज शुरू हो रहे हैं, पर जो स्केल आप बोल रहे हो उसका कोई ABCD ABCD से है कि वो भी सी से ही शुरू होता है कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है ये। देखो स्केल दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं, एक बजाने के तरीके से, एक गाने के तरीके से। तो गाने का तो टोटली डिफरेंट होता है, मतलब गाने का डिपेंड करेगा ना, आप मेल हो या फीमेल हो, आपका आवाज़ बेस में है कि यह है आपका आवाज़, मतलब आप छोटे हैं कि बड़े हैं, तो इसके ऊपर आपका सा डिसाइड होगा, सा कर उसके ऊपर कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है। सो वी आर टेकिंग स्केल एज अ बेस फॉर अ पर्सन, सो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वो सिलेक्ट करेगा और वहां से एक्सपैंड करेगा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऑक्टेव में एज वेल एज पिच वॉल्यूम मॉड्यूलेशन में।
एक्चुअली मेरी जो आवाज थी ना बचपन में मधुर थी, तो मुझे क्लास में नल्स मैं कॉन्वेंट में थी तो मेरी मम्मी को बोला कि ये पढ़ती है रीडिंग करती है तो बहुत धीरे आती है इसकी आवाज, इसको लाउडर कराओ। तो मेरी आवाज फिर मेरी मम्मी ने बोल के लाउड पिच में कराई, तो वो मधुरता मुझे मुझे लगता है कि वो मधुरता अभी आवाज में नहीं है। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप मैं ये बात कई बार वीडियो में कह चुकी हूँ कि टीचर्स का आवाज़ ना हस्की हो जाता है। मैं मेरी बात नहीं करूँ, मैं बहुत संभाल के, आप देख रहे हो कि मैं माइक को ज़्यादा करके मैं कोशिश करूँ अपने आप वॉइस को। एक टीचर को जैसे आप लोग बैठे हो एक क्लास में 40-45 बच्चे भी हो जाते हैं, तो सबको रहता है कि मेरा आवाज़ लास्ट तक जाए, तो वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, जो आपके मम्मी ने आपको कराया, करते 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 करते, जो कुछ मम्मियाँ ऐसे होती हैं बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बच्चों को डांटते हैं, बच्चे बहुत हैं कि चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं मैदान पे, फिर अपने को जब खेलेंगे खूब चिल्लाएंगे, उनका आवाज़ बहुत जल्दी खराब हो जाता है। यही कारण है कि अभी जैसे आपका अभी जो नॉर्मल वॉइस है वो एकदम ठीक है, अच्छा है, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट करते करते धीरे धीरे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो कि मैं थोड़ा लो वॉल्यूम में बात करूँगी, वो रिपेयर हो जाता है। अगर बहुत एक्सट्रीम आपका मतलब ऐसा वर्क नहीं है बोलने वाला तो वो डिलीवर हो सकता है। ओके आई होप मैं ज़्यादा जोर से बोलता था, मेरी मम्मी बोली धीरे से बोलूँगा, धीरे से नहीं, उसकी मम्मी ने मिसगाइड किया, कहीं मेरी मम्मी गलत तो नहीं बोल रही, बोला स्कूल में तुम्हारा मम्मी तो ठीक है, तुम लोग स्कूल में बहुत चिल्लाते हो, स्कूल में नहीं चिल्ला। हमारे स्कूल में तो भी टीचर माइक्स पहन के आते हैं कॉलेज में, बहुत अच्छा टीचर अच्छे, अच्छे। हां वो सिंगिंग का सॉन्ग, हां वी कैन सिंग इट लाइक वेरी क्रूडली सेम पर्सन ऐसा सोच के कर रहे कि मेक इट वेरी मधुर आल्सो, सो आई मीन आई वांट टू नो दैट किसका फोन बज रहा है थोड़ा देख लो ना प्लीज। मतलब कई बार मैं गाना गाती हूं ना तो मुझे लगता है ये बड़ा हार्श आ रहा है, देन आई वेट फॉर सम टाइम, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर मैं वर्ड्स को जरा प्यार से आई विल सिंग, देन द वॉइस इज वेरी डिफरेंट। तो अच्छा होता है कि मतलब आई लाइक दैट, आई मीन आई फील दैट थोड़ा सा वो उसमें आ जाती है मधुरता, बट अगर मैं स्ट्रेस होके गा रही हूं उनको खत्म करना है, नहीं ऑब्वियसली वो तो फिर अपने आवाज में इफेक्ट, व्हाट आर वी डूइंग, आर वी व्हाट आर वी डूइंग टू आवर वॉइस, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। देखो रुको आपस में बात मत करो, नहीं तो फिर उनका क्या मतलब, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू विद आवर वॉइस, जैसे अब मैं बोल रही हूं व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी कैन आल्सो से सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, यू नो ये जो फर्क है ये व्हाट इज दिस, मतलब हमें किस चीज का ध्यान रखें ताकि हमारी आवाज हमेशा ही लैटर तरीके से आए। आपको ना आपको पहले ना देखो ये ना कुछ हद तक सुर के ऊपर ध्यान होता है, आपका वॉइस का टेक्सचर कुछ भी हो, जैसे आपका वॉइस मेरा वॉइस नहीं हो सकता, मेरा वॉइस इसका वॉइस नहीं हो सकता, मतलब आपका जैसे मैंने बोला ना टिम्बर क्वालिटी ऑफ जाना उसका विशेषता, मतलब मेरा आवाज़ का विशेषता क्या, पर आप अगर सॉफ्टली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मानो कि हम लोग जब तान वगैरह गाते हैं क्लासिकल गाते हैं तो हमेशा हम लोग बहुत सॉफ्टली गाते हैं, नॉट नेसेसरी, हमें तो एग्रेसिव भी गाना पड़ता है, मतलब वो डिमांड है, उस राग का डिमांड है, उस तान का डिमांड है, मुझे जब थोड़ा सा एग्रेसिव गाना है, लेकिन अगर आप सुर पे ध्यान देंगे ज़्यादा, मतलब आप ना पहले सुर में गाने की कोशिश करो, देखना कभी कभी हम बहुत हर्ष होंगे तो भी वो अच्छा लगने लगेगा, हाँ, लेकिन सॉफ्टली शुरू शुरू में, या जैसे आप लोगों का जो एज है उसको देखते हुए अभी आप लोगों को सॉफ्टली ही गाना चाहिए, तो बहुत सालों तक जब तक आप जिएंगे तब तक आपका आवाज़ मधुर रहेगा, सुरीली रहेगा, ये और हाई पिच का गाना सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाई पिच का गाना में आपका मैंने ये बात बताई है मैंने ऑलरेडी, वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको थोड़ा सा के बाद ऐसे आपको स्ट्रेस लगने लगेगा तो आपको थोड़ा सा नेजल वॉइस में गाना है, किसी को पता नहीं चलेगा नेजल वॉइस में गाना है, एकदम बहुत चिल्ला के गाओगे तो वो हर्ष ही लगेगा सुनने, जैसे थोड़ा सा वो मॉड्यूलेशन जो है ना वो आपको ये गाते गाते ही आपका आ जाएगा,
अपना स्किल, वही है जो किशोर कुमार जी का है, वो उडलिंग क्या मतलब उडलिंग, उडलिंग मतलब वो काइंड ऑफ वही है जिसको वो मतलब क्या बोला आपने, मतलब वो अलग मतलब एकदम एकदम मतलब वो पूरा वॉइस को पूरा टेक्सचर ही चेंज कर देगा, अपना अपना जो वॉइस है उससे नहीं पूरा टेक्सचर ही चेंज हो जाता है, पतला हो जाता है। दैट आल्सो लाइक सारे एग्जाम कुछ उसी का कनेक्शन है उसमें, आई मीन हाँ तो है ही, जितना आप सुरों की रियाज करेंगे ना उसमें आपको आपको पता चल जाएगा। जैसे मानो देखो मैं ये नॉर्मल वॉइस में गा रही हूँ ना, सारे मतलब मैं सुर से बाहर नहीं गई, सुर से बाहर नहीं गई। आप कुछ पूछ रही नहीं? देखो ये ना ये प्रैक्टिस के साथ ये होता है, कुछ लोग ना ऐसे गाते शुरू से ही नेजल वॉइस से उनको आदत पड़ गया कि ऊपर गाना है तो डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो इतना जो साधना इतना जो प्रैक्टिस किस लिए है, इसलिए मैंने मेरी ओरिजिनल वॉइस नहीं नहीं इट्स ओके। पेट से कैसे गाएंगे हमेशा, थ्रोट से ही गाते हैं। देखो मैं एक बात को ये बात मैं ऑलरेडी मैंने कहा, मुझे ना ये जो ये फंडा है इसको क्या बोलते लॉजिक है या जो भी, ये ना मुझे भजन नहीं होती पेट से गाना। मेरे को तो पेट में कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैंने कुछ गाया तो पेट से, मैं तो गा आवाज से ही गाती हूँ। ऐसा पता नहीं कुछ नहीं होता, गले से ही गाओ, जो खाली इतना ध्यान रखना है कि सच मुझे ये मैंने ये एकदम ओपनली मैंने बोला है, यूट्यूब में बोला है, मुझे इसकी बात समझ में नहीं आती है। पेट से गाना कुछ लोगों ने पेट से गाओ, जो हमने जो मंत्र रियाज किया ना सांस होल्ड करके फिर सा लगाना, उसी को बोलते होंगे पेट से गाना। हाँ उसमें लगता है सुबह में जब ओम गा रहे हैं, ओम में डिफरेंस बताया था ना, बिकॉज़ दैट इज हाउ ये ओम नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ वो मंत्र हल्के हल्के से जो गाते हैं ना हल्के से जो ऐसा जो रियाज कर रहे थे ना, तो ये तो मुझे पेट में कुछ हुआ नहीं, गले से पेट से एयर आके आप खुश कर रहे हो पता नहीं इसको बोलते होंगे। पर मेरा जो देखो मैं वही चीज बोलूंगी जो मैं खुद फील करूंगी ना, मुझे खुद को ही फील नहीं हो रहा कि ये पेट से आ रही है कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है कि उसमें बेस जाना चाहिए, आवाज में एक भारी पन होना चाहिए, वही हमें रियाज से मिलता है। चाहे आप मॉर्निंग रियाज बोलो चाहे कोई भी रियाज बोलो, आपको फुल वॉल्यूम के साथ अच्छे के साथ। और जो मैंने अच्छा मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, ये मेरे को सबसे चाहिए
इट इज नॉट नेसेसरी आप इतने देर से आप सर्टेन अमाउंट ऑफ आप बोलते नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तो सबसे सुनना चलते फिर मैं आप ही के फोन पे तानपुरा लगवाऊंगी और आपसे मैं सुनूंगी कि आपका वो क्या है। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जब भी आपको टाइम मिले साफ आप ओनली सा जैसे अच्छे से मतलब लगे सा। आई होप कि हम लोग अभी एक लास्ट क्वेश्चन कि भावना लाने के लिए सॉन्ग में जैसे आशा भोसले गाती है तो एक नॉटीनेस वो ले आती है अपने गाने में, तो एक वो आए कि मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है हरकत? देखो क्या होता है, देखो मैं आपको फिर से वही बात कर रही हूँ, मैं भी बहुत नखरा करके गाऊंगी हाँ, सुर का पता नहीं ताल का पता नहीं लोग आपको टमाटर ही छोड़ पहला पहला जो चीज़ जो है ना आपको सुर पे ध्यान देना है, ताल पे ध्यान देना है, उसके बाद ना आप हजार नखरा करो। एक छोटा बच्चा को भी पता चल जाता है ये ना सुर में नहीं है, तो जब आप ना सुर में ताल में हो जाते हैं ना तो आप मीनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत सैड सॉन्ग है और आप बड़ी खुश हो के आ जाने की जिद ना करो बहुत मतलब थोड़ा सा फील के ये ना करके बने तो तभी आप ध्यान दे सकते हैं जब आपका सूट काल होता है। हम कुछ लोग ऐसे हैं कि उसी पे ध्यान ज्यादा देते हैं कि हमारे शब्द को फील करना है, लेकिन पहले सचमुच जो लोग संगीत सीख रहे हो पहले परफेक्ट करो सुर को, आप एकदम कॉन्फिडेंट आ गया हाँ मेरा सुर ठीक है ताल ठीक है अब मैं आती हूँ शब्द में। मैं कर सकती हूँ अभी मेरे को इसका सुर पता नहीं है तो मैं कैसे इसके साथ कर सकती हूँ। एनी जब राग गाते हैं बात मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जी शार्प में गा रही हूँ आलाप गाया बट बहुत शार्प लगते हैं सॉफ्ट नहीं लगता, उसके लिए क्या नहीं सॉफ्ट के लिए जैसा मैंने बोला जहाँ पर तुम्हें लग रहा है ना सॉफ्ट करने जरूरी है थोड़ा आवाज़ को दबा के जहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि बहुत स्टील लग रहा है ना पर उसमें सुर का हानि नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में सुर से हटाना नहीं चाहिए। तुम उसको स्वील भी गाओगे ना लोगों को समझ में नहीं आएगा कि तुमने स्वील गा, अगर सुर इधर से उधर हुआ ताल इधर से लोगों का टकटाक से तो इतने मत सोचो कि इतना सुर ये सॉरी स्वील हो रहा है वॉइस में। और एक मेरा प्रॉब्लम है जैसे तान जब गाते हैं तो आकार में जब लेना होता है तो मुझे लगता है कि वो सुर में नहीं लगता है। हाँ तो वही तो मैंने बोला ना हमेशा बोलते हैं कि ताल तान जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आप उसको स्प्लिट करके खोल के गाओ उसको सुर को बैठाओ जब तक आपको खुद को सेटिस्फाई नहीं हो जाता, क्योंकि अभी आप लोग इस स्टेज पर नहीं हो कि ग कैसे गाते हैं प कैसे गाते हैं ठीक है ना, इतना आपको सूझ आ गया तो इसलिए पहले ही तानों को फटाफट मत करिए रसीद करिए। ओके और अगर क्वेश्चन है आप मन में रखो नेक्स्ट सेशन पे। ओके चलो अभी लंच आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा खाना है।